और शरद गुट की एक बजे वाईबी चौहान सेंटर पर बैठक को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां सांसद और विधायक और पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है और साथ ही शरद गुट की बैठक के जरिए शक्ति प्रदर्शन की इस तैयारी को लेकर भी हमारे सहयोगियों से लेंगे अपडेट। इस बीच शरद पवार गुट ने विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया है। इन्फॉर्मेशन वॉल पर आज लगातार होने वाली इस बैठक को लेकर डिटेल आपके सामने होंगी, क्योंकि कौन किस पर भारी ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच जारी शक्ति प्रदर्शन में आज होने वाली बैठकों पर भी नजर, आज अपनी शक्ति का प्रदर्शन एनसीपी के दोनों गुट कर रहे हैं, यही आज की सबसे बड़ी खबर है। और महत्वपूर्ण है कि शरद पवार और अजीत पवार गुट ने विधायकों की जिस तरीके से बैठक बुलाई है उसमें कई बड़े फैसले संभव है। 11 बजे का वक्त अजीत पवार ने सांसदों विधायकों और नेताओं के साथ बैठक का ये वक्त मुकर्रर किया है और अजीत की बैठक में ये साफ हो जाएगा कि उनके पास कितने विधायक हैं। समर्थन का दावा किया जा रहा है, वक्त है साबित करने का। 1 बजे शरद पवार ने सांसद विधायक और पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई। नहीं थकावट नहीं है, फोन बजा उजली चमकदार, ऐसे दिखते पिंपल से डरते हैं तन्विशता। है इस बैठक पर भी सबकी नजर है, क्योंकि इसी बैठक के जरिए शरद पवार अपने गुट का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। समर्थन का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है, अब साबित करने का वक्त है। गौरव मेरे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव, पिछले 48 घंटे में उस हलचल को आपने खुद विटनेस कर लिया है, समर्थन की बात सब कह रहे हैं, साबित कैसे होगा, नंबर गेम कैसे होगी ये साबित? अब यही सबसे बड़ा सवाल है दोनों गुटों के आगे श्रुति, कि कैसे नंबर साबित किए जाएंगे और किसके पास एक्चुअली नंबर हैं। कुछ ही देर में, बस मात्र कुछ घंटों में ये साबित हो जाएगा। लेकिन मुंबई में इस वक्त उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिल रही है। ठीक एक साल पहले जैसे बाला साहेब के नाम को लेकर दोनों गुटों में शिवसेना के लड़ाई चल रही थी कि बाला साहेब हमारे हैं, शरद पवार के साथ भी बिल्कुल वैसा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार के गुट ने शरद पवार की काट शरद पवार में ढूंढ ली है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, मुंबई में कुछ इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। ये सुनील तटकरे हैं जिनके नाम से पोस्टर लगाया गया, जिनको खुद शरद पवार ने पार्टी से निकाल दिया। श्रुति, उन्हीं का चेहरा आप देखिए यहाँ पर, अजीत पवार नहीं है जिनके नेतृत्व में उन्होंने पार्टी में बगावत की, वो नहीं है, शरद पवार का चेहरा यहाँ पर लिखा हुआ है और साफ कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश। लेकिन गौरव, जो गणित है वो क्या कहता है? गणित पर अगर नजर डाले तो हम तो देख रहे हैं कि अजीत पवार के पास ज्यादा विधायक है, शरद पवार के पास नहीं। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन भी अगर हम नजर डालते हैं, शक्ति प्रदर्शन पर भी कौन बड़ा नेता एनसीपी का? देखिए अभी अगर यहाँ पर बात करें तो अजीत पवार ने भी केवल 9 ही विधायक या 9 ही लोग चेहरे हैं जो सामने रखे हैं। वो दावा 40 का कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना तो कोई लिस्ट जारी की है ना ही नाम जारी किए हैं। और सेम दावा शरद पवार गुट भी कर रहा है कि उनके पास 9 छोड़कर और कोई नहीं है और हमारे पास 40 से ज्यादा विधायक हमारे पास है। तो नाम किसी ने जाहिर नहीं किए हैं, इसलिए अभी जब तक कोई सामने चेहरा परेड करा नहीं देता उन चेहरों की, जब तक उन चेहरों को सामने दिखा नहीं देता, तब तक आप किसी के दावे पर ऐसे खुलकर नहीं कह सकते कि इनके पास शक्ति है इनके पास नहीं है। यही तो अजीत पवार को आज साबित करना है। और जो मैं आपको दिखा रहा था कि छगन भुजबल के नाम से भी वही पोस्टर लगा है, उसमें शरद पवार है, और ठीक उसी समय एक पोस्टर और लगाया गया है जो एनसीपी शरद पवार के गुट से, वो पोस्टर दिखाइए दादा, उधर देखिए, वहां पर लिखा है कि मराठी में कि 83 साल का अकेला बुजुर्ग अकेले लड़ाई लड़ने निकला है, क्या आप इनका साथ देंगे, नीचे योद्धा लिखा हुआ है। तो पीछे अजीत पवार का गुट है, छगन भुजबल है, उनके पोस्टर पर भी शरद पवार की फोटो है, भी आगे शरद पवार की जो एनसीपी का पावर गेम में पोस्टर लगा रहे हैं, वहां उनको योद्धा बता पावर गेम में लगा रहे हैं। गौरव, ये साफ है कि उसी इमोशनल कनेक्ट को साबित करने की अभी भी कोशिश की जा रही है, जहां उन्हें 83 साल का योद्धा बताया जा रहा है, वहीं अजीत पवार जो कि जमीनी स्तर पर समर्थकों के साथ जुड़े हुए हैं, वो कैबिनेट विस्तार को लेकर जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो वादे किए गए निभाए गए, बड़ी भूमिका सभी निभा सकते हैं अगर वो हमारे साथ रहेंगे। इस बारे में और चर्चा करने से पहले आज होने वाली शरद पवार गुट की बैठक को लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि आने वाले नेताओं को अपने साथ एक साथ शपथ पत्र लेकर आने को कहा गया है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज किस तरीके से इन बैठकों के बाद बड़े फैसले भी होने वाले हैं।